न्याय पालन उल्लंघन करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। यानी आज ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये कहा था कि लॉकडाउन को गंभीरता से कई लोग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है, उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के सीएम योगी ने भी ये कह दिया है, अपने आप को और परिवार को बचाएं आप लोग। भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिए हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, नियम का कड़ाई से पालन कराना होगा, महामारी के विरुद्ध मिल करके लड़ना है हमें, सतर्क रहें, पूरी तरह से जागरूक रहें। भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिए हैं कि लॉकडाउन जहां जहां पर भी है, जितने भी 22 राज्यों में लॉकडाउन है, उनका कड़ाई से पालन कराया जाए। ये साफ तौर पर भारत सरकार का निर्देश आ गया है। यानी राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सभी राज्यों के लिए भारत सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं इस बार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाए राज्य सरकार, और जो लोग कड़ाई से पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें कही गई हैं। यानी राजस्थान के 35 जिले, उत्तराखंड के 13, पंजाब के 22, ओडिशा के 30, बंगाल के 23, दिल्ली के 11, तेलंगाना के 31, बिहार के 38, आंध्र प्रदेश के 13, छत्तीसगढ़ के 28, जम्मू कश्मीर के 20 जिले, झारखंड के 24, महाराष्ट्र के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 10, उत्तर प्रदेश के 16 जिले और हरियाणा के 7 जिले। कुल इतने जिलों को कड़ाई से पालन करना है और कराना है, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाएं, ये भारत सरकार की तरफ से निर्देश आ गया है। 12 राज्यों में पूरी तरह का लॉकडाउन है, 10 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है, और ये लॉकडाउन है कोरोना यानी कोविड-2019 के संक्रमण से बचने के लिए। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल रहा था, और उसके ठीक बाद कल शाम 5 बजे ही एक एक करके कई राज्यों ने, लगभग 22 राज्यों ने ऐलान कर दिया कि उनके कई जिलों में उनके लॉकडाउन की सिचुएशन रहेगी, और 12 राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन है। राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ये वो 12 राज्य हैं जिनके 286 जिले पूरी तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन में है। इनकी आबादी लगभग 58,99,00,000 यानी लगभग 59 करोड़ की आबादी है। और मेरे सहयोगी आतिर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आतिर, क्या केंद्र सरकार की ये ऑफिशियल एडवाइजरी है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाना है, अगर पालन नहीं कराया जाता तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये इस वक्त जो घड़ी है तो उसको बहुत ही संवेदनशील घड़ी है, जहां पर पूरे देश व्यापक इस संक्रमण को रोकना है, चेन को तोड़ना है, सरकार की यही प्राथमिकता है। और लिहाजा इसके चलते कई अपील की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, इसकी भी बड़ी सकारात्मक भूमिका रही है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कुछ लोग इस तरह के प्रतिबंध को कैजुअली ले रहे हैं और वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इस समय की दरकार है और क्या नहीं है, क्या उनके लिए जरूरी है। लिहाजा लोगों को दिक्कत बेशक हो रही है, लेकिन फिलहाल ये घड़ी इस जो है टेस्टिंग घड़ी है जिसको कहते हैं, हर एक को संवेदनशीलता से काम करना होगा, संयम रखना पड़ेगा। इसी दिशा में सरकार ने सभी को निर्देश दिए हैं। इस विश्व भर में स्थिति ऐसी है कि एक एक दिन में सैकड़ों लोगों की मौत हो जा रही है, तो उसके चलते भारत के लिए बहुत जरूरी है पूरी एहतियात बरती जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जाए। तो इसी दिशा में दिशा निर्देश है सरकार का, सभी राज्यों की सरकार। देखिए, संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3 मौत हुई है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, बिहार में 1-1 मौत हुई है। पूरे हिंदुस्तान में कुल 8 मौत हुई है। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, लद्दाख, पंजाब, यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जहां पर थोड़े से कम मामले सामने आए हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन है कौन कौन से राज्य, ये नीचे आपकी टीवी स्क्रीन आपको बता रही है और दिखा रही है। उसके नीचे लाल रंग की पट्टी है जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके बाईं तरफ हम पूरे देश भर की तस्वीर लॉकडाउन सिचुएशन में दिखा रहे हैं और दाईं तरफ ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी आपको बता रही है कि भारत सरकार ने किस तरह से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करके ये कहा है लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाएं। और इस बीच लगभग आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की बात की गई है। और हम ये दिखाना चाहेंगे, एक बार हम ये दिखाना चाहेंगे अपने स्टूडियो में भी कि हम किस तरह से अपनी तरफ से गंभीरता से लेते हुए हम कड़ाई से पालन करें। एक बार मैं चाहूंगा कि स्टूडियो में हमारे किस तरह की हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, और हम ये चाहेंगे, इधर आइए, आप इधर आइए, कैमरे पर आप आए, आपके कैमरे पर आए आप।